देखना बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये पूरी मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन ली, देखो ये पहला अमीनो एसिड का पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और इस तरह बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अब देखना ये जो पहला अमीनो एसिड है इसका एक कार्बोनिल का ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो चौथा अमीनो एसिड है इसका नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच क्या होगी, एक पार्शियल बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पार्शियल बॉन्ड बनेगा। लेकिन अब एक चीज समझना, बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास भी तो होने चाहिए, इतनी दूर से तो बॉन्ड बनेगा नहीं, पास भी तो होने चाहिए। तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करेंगे, ये पूरी चेन एक सर्कल की तरह फॉर्म ले लेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, देखना ऐसे, ठीक है। अब देखो मैंने यहां पे NH लगाया एक इस चौथे का, ठीक है, या मैं ऐसे दिखाऊं, कार्ब NH लगाया इस चौथे का, तो ये पूरा ऐसे घूम के इस तरह आएगा कि इस पहले वाले का कार्बोनिल और इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, देखना मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया, देखो ऐसे मैं यहाँ पे N लगाता हूँ और H लगाता हूँ, फिर ये घूम के इधर C डबल बॉन्ड हो और इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पहले और चौथे के एक ही अमीनो एसिड में, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है यहाँ। अब देखो ये पहला अगर कंसीडर करूं तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो गया इसके लिए। अब इसका कार्बोनिल और इसका NH, इसके और इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन के बीच, तो ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बाकी के जितने भी ग्रुप हैं, ये एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। और देखना यही बात ये कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे किसके बीच, कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच, एक अमीनो एसिड के और NH के बीच, इस H के साथ किसके, फोर्थ अमीनो एसिड का, और इसके कारण जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कोइल अप हो जाएगी एक स्पाइरल स्ट्रक्चर में, जिसको राइट हैंडेड हेलिक्स कहेंगे। देखना इधर एग्जांपल, देखना देखो ये राइट हैंडेड हेलिक्स का एग्जांपल है। वैसे हेलिक्स दो तरीके के हो सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड। राइट हैंडेड को ज्यादा स्टेबल माना जाता है इसलिए इसने राइट हैंडेड का स्ट्रक्चर दिया। देखना ये पूरी ऐसे कोइल है, ये पूरी ऐसे कोइल है। मैं ऐसे कहता हूं कि ये जो, अगर मैं ये पार्ट डार्क कर दूं तो ये आगे वाला पार्ट है, ये पार्ट डार्क कर दूं तो ये आगे वाला पार्ट है, और जो मैंने डार्क नहीं किया वो पीछे वाला पार्ट है कोइल का, ठीक है। अब देखो ये NH, ये CO, एक इधर लेता हूं, एक NH CO, एक अमीनो एसिड पूरा, ऐसे ही ये NH CO दूसरा, फिर ये कोइल ऊपर जाएगी इसी तरह, इस तरह ये कोइल हो गया, फिर NH CO, फिर NH, फिर ऐसे कोइल अप होते ही, और ये कुछ इस तरह अरेंज हो जाएंगे कि पहला, अगर मैं ऐसे कहूं कि पहले अमीनो एसिड का NH, ठीक है, और चौथे का CO, ठीक है, पहले अमीनो एसिड का NH और चौथे का CO, इनके बीच क्या बन जाएगा, ये इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और ये एक के बीच नहीं बनेगा, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, 500 अगर अमीनो एसिड हैं तो उसमें हर किसी में पहले और चौथे के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, हर किसी में पहले और चौथे के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इस तरह ये हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक और चीज देखना इसमें, ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसको 3.613 हेलिक्स भी कहा जाता है। 3.6 क्यों, क्योंकि ये जो पूरी एक कोइल है, ये देखना यहां से शुरू होती है और ये पूरी एक कोइल जो है इसमें अप्रोक्सीमेटली 3.6 अमीनो एसिड आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3.6, पूरे चार नहीं। देखना एक बार मैंने यहाँ पे आपको समझाया, 1, 2, 3, 4। एक बात मुझे बताना, अगर इसके CO और इसके NH के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो एक अमीनो एसिड ये, दूसरा ये, और कुछ पार्ट इन दोनों का आया है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.6 बैठता है।
पूरा चार्ज तो जब बैठता जब इसका NH और इसका CO बॉन्डेड होते, पूरा चार्ज कब बैठता जब इसका NH और इसका CO बॉन्डेड होता। पहले का NH देखो, पहले का NH से शुरुआत है, चौथे के CO से शुरुआत एंड है, ये पूरा स्ट्रक्चर बैठता तब पूरे चार अमीनो एसिड बैठते, तो पूरे चार नहीं होते, 3.6 होते हैं। और 3.6 किस सेंस में होते हैं कि पहले का तो CO लेना है और चौथे का NH लेना है, पहले का CO लेना है चौथे का NH लेना है। इस बीच में एक अमीनो एसिड पूरा ये हो गया, एक अमीनो एसिड ये हो गया, कुछ कुछ पार्ट इन दोनों का हो गया और टोटल मिला के 3.6 का नंबर आता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एक रिंग बनी इसमें 13 मेंबर होते हैं, इसमें 13 मेंबर होते हैं टोटल इसमें 13 मेंबर होते हैं। और जो दो सक्सेसिव टर्न्स होते हैं इनके बीच में 5.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है, यानी एक टर्न से लेके दूसरे टर्न के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5.4 एंगस्ट्रॉम है, यानी 5.4 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर, इतनी डिस्टेंस होती है एक कोयल से दूसरे कोयल के बीच। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों तरह का हो सकता है। मोफिट ने ये डिड्यूस किया था कि जो एल अमीनो एसिड होता है ठीक है, उनके आपको पता है कि सारे के सारे नेचुरल अकरिंग एसिड अमीनो एसिड एल फॉर्म में होती है, तो मैं यूं कहूंगा जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए जो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है वो मोर स्टेबल होता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। मैं देखना दो केसेस लेता हूं, मैंने ये दो केस लिए हैं, ये तो हमारा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, जब हमारा हेलिक्स एंटी क्लॉक होता है तो इसको लेफ्ट हैंडेड कहते हैं, और देखना ये राइट हैंडेड है ये क्लॉक की डायरेक्शन में, तो जब क्लॉकवाइज होता है तो इसको राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं, इसको राइट हैंडेड हेलिक्स कहा जाता है। ये दो अलग अलग है, ये राइट हैंडेड वाला मोर स्टेबल है, ये राइट हैंडेड वाला मोर स्टेबल हेलिक्स है एल अमीनो एसिड के लिए। और हमें ये बात तो पता ही है कि जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं सारे एल फॉर्म में होते हैं। बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन जैसे अल्फा कैरेटीन हेयर में, नेल्स में, बूल में, स्किन में, ठीक है, ये इन सभी का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ स्ट्रेचेबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, क्यों स्ट्रेचेबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है देखना, उसका रीजन देखना। जब हम स्ट्रेच करेंगे, जैसे ह्यूमन हेयर की बात करें, ह्यूमन हेयर में अल्फा केराटिन है जिसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, देखना जब हम ह्यूमन हेयर की बात करेंगे तो जो हेयर के फाइबर्स जो है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, क्यों अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और है और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या है थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे जिसके कारण जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रोक टूट जाएंगे उनके बीच। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेचिंग फोर्स रिमूव किया जाएगा तभी क्या होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड वापस बन जाएंगे, और इसलिए हेयर के फाइबर्स थोड़े से इलास्टिक होते हैं, थोड़े से इलास्टिक माना जाता है। तो समझने की बात इतनी सी है कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिन भी प्रोटीन्स का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं जो प्रोटीन होता है उसको। बच्चों अगला स्ट्रक्चर देखना, अगला स्ट्रक्चर जो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है। दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, ये भी लिनस पॉलिंग ने दिया था 1951 में, ठीक है। अब एक चीज देखना, देखो ये एक अमीनो एसिड चेन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये पूरा एक पॉलीपेप्टाइड है। इसमें क्या होता है देखना, इस अमीनो एसिड का जो CHR ग्रुप है वो नीचे की साइड है, इसका ऊपर की साइड है, इसका नीचे की साइड है, तो देखना इसमें अल्टरनेट
अनेंजमेंट होती है और जिसके कारण जिग जैग स्ट्रक्चर आता है इसका। इसमें इस सी एच आर ग्रुप की अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है। कैसे अल्टरनेट? एक बार नीचे है अगला ऊपर, एक बार नीचे फिर अगला ऊपर, फिर अगला नीचे होगा फिर अगला ऊपर होगा, इस तरीके से, इस तरीके से अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है। और जो ये सक्सेसिव, देखो ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो इन दो नीचे वाले सी एच आर ग्रुप्स में के बीच जो डिस्टेंस होती है वो 720 पिकोमीटर होती है, 720 पिकोमीटर होती है। अब नीचे इसका स्ट्रक्चर देखने एक बार, देखो ये एक अमीनो एसिड, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक शीट की तरह होता है स्ट्रक्चर। देखो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इनके बीच दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको मैं कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड कहूंगा? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक शीट की फॉर्म में होती है, एक शीट की फॉर्म में होती है। ये एक बिल्कुल आइडियल अरेंजमेंट है जिसमें ये शीट की फॉर्म में माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने क्या देखा? इन सक्सेसिव चेन्स, इन सक्सेसिव अमीनो एसिड्स, अल्टरनेटिव अमीनो एसिड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 720 पिकोमीटर है, और एक पॉलीपेप्टाइड और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखना, देखो ये सी एच आर ऊपर है, ये नीचे ही ऊपर है, यहाँ पे ये जो आर ग्रुप होते हैं 720 पिकोमीटर की डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस है। 720 पिकोमीटर यानी 720 गुना 10^-12 मीटर, 10^-12 मीटर बहुत कम डिस्टेंस है, जिसके कारण क्या होता है, ये आर ग्रुप बहुत पास आते हैं, या यहाँ पे दिखने को बहुत दूर है, यहाँ पे तो ये डिस्टेंस हमें 15 सेंटीमीटर दिख रही है, लेकिन ये इतनी नहीं है, तो ये आर ग्रुप बहुत पास है। ये आर ग्रुप बहुत पास होने के कारण ये चेन जो है ये बिल्कुल सीधी नहीं रह पाती, ये चेन बिल्कुल सीधी नहीं रह पाती, थोड़ी सी ये चेन टिल्ट हो जाती। उसका केस लिखता हूं मैं, देखना इस फ्लैट शीट स्ट्रक्चर में जो डिस्टेंस है अल्टरनेट अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच में वो 720 पिकोमीटर है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, क्राउडिंग होती है, किस किस के बीच, जो आर ग्रुप है उसके बीच। जब इस आर ग्रुप के बीच क्राउडिंग होगी तो कोई भी नेचुरल प्रोटीन जो है वो इस फ्लैट शीट स्ट्रक्चर में नहीं होगा, इस फ्लैट शीट स्ट्रक्चर में नहीं होगा। इस क्राउडिंग को कम किस तरह किया जा सकता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, और इस टिल्ट होने के कारण इस आर ग्रुप की थोड़ी सी डिस्टेंस जो है वो मॉडिफाई होती है, और रिपल्शन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, रिपल्शन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसके टिल्ट होने के कारण ही आता है दिस कॉन्ट्रेक्शन या दिस टिल्टिंग रिजल्ट्स इन प्लीटेड स्ट्रक्चर, प्लीटेड स्ट्रक्चर मिलता है इससे, ठीक है। इस प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, देखो एक चेन के ऊपर दूसरी चेन है, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस प्लीटेड स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं उनकी डिस्टेंस थोड़ी कम होती है। देखना हाइड्रोजन बॉन्ड, जब ये नॉर्मल चेन होगी, जब ये फ्लैट शीट स्ट्रक्चर में होगी तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। और जब थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होंगे, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में होंगे, तो इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इस बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी कम होगी, और इस तरीके से ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर हमें मिलता है, इस तरीके से ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ये एक बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। देखना मैं पीछे आपको फ्लैट स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, फ्लैट शीट स्ट्रक्चर, उस बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर और इस फ्लैट शीट स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखना। ये बिल्कुल चेन्स बिल्कुल फ्लैट हैं और ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेकिन
इस बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर की जो चेन से बिल्कुल फ्लैट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड है, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड है। इस बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में इस देखो ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, इस बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको कहा था अल्टरनेटिव CHR ग्रुप है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 700 पिकोमीटर होती है, 700 पिकोमीटर होती है। जो फ्लैट सीट स्ट्रक्चर था उसमें 720 पिकोमीटर थी और यहाँ पे 700 पिकोमीटर होती है। यहाँ पे बच्चों ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर और जो हमने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा उसका कंसेप्ट खत्म होता है। और आपके अमीनो एसिड्स में अमीनो एसिड पेप्टाइड और प्रोटीन्स के चैप्टर में भी इतना ही इतनी यूनिट है। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में के कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो हर यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो मैंने ना छुआ हो या कुछ भी रह गया हो, छोटे से छोटा टॉपिक हो चाहे, तो आप मुझे पर्सनली ग्रुप में मैं एडेड हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं।